आई थिंक हमारे ऑडियंस में बहुत से लोग हैं जो यंग हैं और उनको ये कहानी मालूम नहीं होगी, तो मैं वो कहानी आपकी थी. उस समय वाजपेयी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड गोविंद आचार्य वॉज एन आरएसएस आइडियोलॉग और उनकी डायरी के जो एक एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सर्प्ट था वो आपने छापा, यू ब्रोक दैट स्टोरी. और कोई भी पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, जैसे मैं अपने आप को मानती हूँ, उसको ये किस्सा मालूम होना चाहिए. और उसमें गोविंद आचार्य सेज अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों, जिनको माना जाता था कि भाई ये थोड़े बीजेपी के सॉफ्ट फेस है, ये तो लिबरल फेस है, अडवाणी इज द हार्डलाइनर, उन्होंने कहा ये तो मुखौटा है. ये कहानी कैसे आपने ब्रेक की, टेल अस दिस स्टोरी. देखिए इंटरेस्टिंग यही है, जैसे अब मैंने कहा कि मैंने ऐसी जगह काम किया जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी थे, मैंने ऐसी जगह काम किया जो बिरला जी मेरे बाकायदा कांग्रेस के एमपी भी थे, कांग्रेस में उनका इन्वॉल्वमेंट था. तो आपने दोनों दोनों पार्टीज के साथ मेरे, हाँ, उनके संपर्क थे. एज ए रिपोर्टर आप समझ सकती है, फिर राइटर बनने के बाद भी रहते, कम उम्र में राइटर बन गए तो ज्यादा मैं फील्ड में नहीं जाता था, बट इवन देन लोगों को ये था कि क्रेडिबिलिटी है, यदि इनको मिल जाए तो ये छप सकता है. बल्कि अभी इसलिए और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता दें, आपने जो सवाल किया, अटल बिहारी वाजपेयी की एक और बुक आई है अभी उनके ऊपर, मैंने अभी नहीं मंगाई, चौधरी का अभिषेक चौधरी की, उसमें शायद ये मेंशन है यदि आपने देख ली हो तो, कि ये गोविंदाचार्य उन लोगों ने इसको प्रचारित किया. इसे कॉन्ट्रेरी क्या हुआ बताइए. नहीं तो इसलिए गोविंदाचार्य, जैसे हमारे पास, ये तो भी नहीं कहूँगा किसने दिया, लेकिन उससे मुझे मिला कि ये गोविंदाचार्य के लिखे हुए हैंड रिटन है जिसमें मुखौटा बताया है. अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को मैं 72 से जानता था, मतलब फिरोजशाह रोड रहते थे, जाके सुबह जैसे उधर से चाय पी ली, खबर ली. आई वॉज नॉट अगेंस्ट, बट फिर हमने उसको जब ब्रेक किया तो गोविंदाचार्य के लिए तो वनवास हो गया ना उससे, और पॉलिटिकल करियर एंड, उसको हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश ने भी छापा, हिंदी में भी हमने हिंदुस्तान छापा. बिरला जी के भी संबंध, उस समय बिरला जी मैंने थे, शुभ्रा जी भी आ गई थी, लेकिन संबंध है, तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों छाप दिया. अंदर से बुरा लगा होगा, किसको लगा, मैं उसके, अच्छा मेरा ये हमेशा रहा है कि हमने कुछ किया, अब अच्छा लगे बुरा लगे. दिस वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री यू हैड ब्रोकन अ स्टोरी अबाउट, है ना. गोविंद आचार्य का करियर तो खत्म हो गया, वाजपेयी जी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया. मेरी बात, मुझे यही एक सबसे लगता है, आज तक मैं लोगों से यही कहता हूँ कि भाई हमें ज्यादा कभी भी, जैसे मैंने कहा ना, लालू यादव ने भी कल ये नहीं कहा ना कि आखिरकार मुझे मालूम नहीं था, या वाजपेयी जी पर भी मैंने क्रिटिकल लिखा, मैंने गुजराल जी पर क्रिटिकल लिखा, मतलब नरसिंह राव पर मैंने किताब लिखी 93, वाजपेयी जी तो पहले की बात कर रहे हैं जी. राव के बाद कौन, वो आफ्टर राव, और राव ने एक बड़ी, मैंने लाल किला उसकी डेट मुझे नहीं मालूम, पब्लिशर ने मुझे, मैंने कहीं मेंशन किया है वैसे, अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने 93 की बुक है ये, और छोटी थी, मतलब हिंदी की थी, उसमें कौन कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, नानद तिवारी, अर्जुन सिंह, शरद पवार, सब पर एक चैप्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, फिर से कौन बन सकता है आफ्टर राव के बाद कौन होगा, जैसे अभी भी लोग कहते हैं मोदी की बात को, और मुझे आइडिया किस पे आया था, हु आफ्टर नेहरू, एक बुक आई थी बहुत पहले जी, आई थॉट कि नरसिंह राव, क्योंकि आफ्टर राजीव गांधी, नेहरू गांधी फैमिली. सो वाजपेयी जी का जो आप पूछ रहे हैं, मेरा ये कहना था कि हमें तो, मुझे किसी ने न हाउस ने कहीं कहा, न दूसरे ने कुछ कहा, इस ये ठीक है कि जिनको सूट कर रहा था एंटी गोविंदाचार्य, उनको तो ठीक ही लगा होगा, और गोविंदाचार्य मेरा ख्याल अडवाणी जी के करीब थे उस समय भी रहे होंगे, और मैंने कहा था एक अटैचमेंट विद डिटैचमेंट. मेरा एक जर्नलिज्म में थ्योरी है, यदि मैं बहुत आपके क्लोज हूँ, आपकी कोई बुराई भी कर रहा है तो मैं सुन लूंगा एक बार, यदि मुझे जहाँ कहना होगा बोलूंगा, लेकिन मुझे मालूम तो पड़े कि आपकी या मेरी कोई बुराई कर रहा है तो उसमें क्या हर्ज है, उसको बुराई करने का हक है. सो द प्रॉब्लम इज कि कोई प्रेशर उस तरह से नहीं आया इनडायरेक्टली. ये दूसरी कहानी जो शायद कहना में ज़्यादा कहीं लिखा नहीं मिले, अभी ये सही है कि उसके बाद उस हाउस में भी जो क्राइसिस आया, नॉट अबाउट दिस स्टोरी, आफ्टर फ्यू ईयर्स, साल बॉस कहना चाहिए, वो बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स, तब ये हुआ कि देर वॉज ए प्रेशर